राजगढ़ जिला मुख्यालय में आज रविवार को राजपूत कनी सेना राष्ट्रीय व प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों की मौजूदगी में विशाल महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में राजपूत समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष महीपाल सिंह मकराना, प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रारंभ हुई। महारैली शहर के मुख्य बाजार से होती हुई नया बस स्टैंड होते हुए मंगल भवन परिसर पहुंची, जहां पर मौजूद पदाधिकारियों के द्वारा मौजूद विशाल जनसमूह को संबोधित किया गया। तो वहीं आम सभा को संबोधित करने के पश्चात पदाधिकारियों के द्वारा 7 सूत्रीय मांगों को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा गया। उल्लेखनीय है कि श्री राजपूत कर्णी सेना द्वारा अपनी मांगों को लेकर विशाल वाहन रैली निकाली गई। राजगढ़ से रघुवीर सिंह बना की खास रिपोर्ट। पीछे नहीं हटता। हमीर देव चौहान क्या कहते थे, सिंह सुवन सतपुरुष वचन, अगली फले एक बार तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। मैं राजधानी समाचार रघुवीर बना। अभी हम बात करते हैं, सुरेंद्र सिंह जी गौड़ हैं हमारे देवास के जिलाध्यक्ष जी। आज जो कर्णी सेना का यहाँ भव्य प्रोग्राम रखा गया राजगढ़ स्टेडियम में, इसके बारे में वो क्या कहना चाहते हैं और क्या संदेश है कर्णी सेना के लिए? जय माता दी, जय माँ कर्णी। आज श्री राजपूत कर्णी सेना मूल आर्थिक आधार पर आरक्षण के लिए, जो आरक्षण 10% हुआ है वो भी पूरी तरीके से सभी लोगों को नहीं मिल रहा है, उस पर भी जो बहुत सारे पेच जो सरकार के द्वारा लगाए गए हैं, हम आज भी इस आरक्षण को नहीं मानते। इस आरक्षण में जो सुधार करने की जरूरत है सरकार को करना पड़ेगा, और आर्थिक रूप से आरक्षण दिया जाए। आज हर समाज में गरीब लोग हैं, हम उनके लिए आरक्षण मांगते हैं, हमारे लिए नहीं। इसलिए श्री राजपूत कर्णी सेना हर जगह इस तरीके के सभाएं करेगी, महारैलियां करेगी, और आवश्यकता पड़ेगी तो चक्का जाम भी करेंगे। आर्थिक रूप से आरक्षण दिया जाए, इससे ही देश का विकास और देश आगे बढ़ेगा। जय माता दी। राजपूत कर्णी सेना। ये कर्णी सेना के अध्यक्ष जी से बात हुआ है कि आरक्षण के बारे में आज यह भव्य आयोजन रखा गया है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि कितने ने आसपास से कर्णी सेना के कितने लाख सदस्य यहाँ मौजूद है? यह आज कम से कम 5 लाख से ज़्यादा लोग उपस्थित है, और अभी आप ये लोग जब रोड पर आएंगे और जब रैली चालू होगी, आम सभा चालू होगी, अभी जितने लोग यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, इससे कई ज़्यादा लोग अभी रास्ते में है। पूरा राजगढ़ का चक्का जाम हो गया, और अभी घर घर से लोग निकलते आ रहे हैं, हर गांव से, हर घर से, हर गली मोहल्ले से यहाँ लोग एकत्रित हो रहे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कितनी जनता इकट्ठी हुई है। कर्णी सेना का भव्य समारोह का आयोजन रखा गया। मैं राजधानी समाचार रघुवीर बना ब्यावरा से, आप मेरे साथ खबरों के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद। जब भी कार्यक्रम होता है तब वो कहीं ना कहीं हर जिले में बैठक रखते हैं ताकि संख्या ना पहुंच सके, तो वो ये करके वो समाज को एक कर रहे हैं कि समाज को बांटने की बात कर रहे हैं, इसलिए वो पहले अपने गिरेबान में झांक ले। हम कल भी गलत का विरोध करते थे, हम आज भी गलत का विरोध करते हैं और कल भी गलत का विरोध करेंगे। जो देश के गद्दार हैं, जो जहर बेचते हैं, उन्हें सजा मिले, और ये आप खुले मन से हम सरकार से मांग करेंगे कि जिन जिन ने जहर बेचा है, जो देशद्रोही हैं, उनके मकान टूटे और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।